राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट प्रॉब्लम है। ओके, टू गैसेस हैविंग मॉलिकुलर डायमीटर डी वन एंड डी टू एंड मीन फ्री पाथ लैम्डा वन एंड लैम्डा टू रिस्पेक्टिवली आर ट्रैप्ड सेपरेटली इन आइडेंटिकल कंटेनर्स इफ डी टू इज इक्वल टू टू डी वन। ये हमें गिवन है और फाइंड क्या करना है, लैम्डा वन बाय लैम्डा टू। ओके, मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला क्या होता है, वन बाय रूट टू पाई एंड डी स्क्वायर, राइट। ओके, तो यहाँ से हमें पता, देखो लैम्डा जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डी स्क्वायर के, राइट। और हमें गिवन क्या है, और हमें गिवन है डी टू इज इक्वल टू टू डी वन। ओके, तो लैम्डा वन बाय लैम्डा टू क्या होगा, डी टू स्क्वायर बाय डी वन स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से देखो डी टू किसके इक्वल है, टू डी वन के, राइट। तो फोर डी वन स्क्वायर बाय डी वन स्क्वायर, तो कैंसिल करो, हमारा लैम्डा वन बाय लैम्डा टू क्या आया, फोर आया। ओके, यही फाइंड करना था, राइट। ओके, तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सपोज द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इज इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ फोर, व्हाट हैपन टू द एवरेज ट्रांसलेशनल स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गैस। ओके, देखो इसमें हमें इनिशियली जो टेम्परेचर है टी वन है। ओके, अब जो हमारा फाइनली क्या है, टेम्परेचर टी टू किसके इक्वल होगा। अब देखो यहाँ पे गिवन क्या है, टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इज इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ फोर, तो टी टू किसके इक्वल होगा, फोर इंटू टी वन, राइट। अब देखो हमें पता है कि एवरेज ट्रांसलेशनल स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो एवरेज ट्रांसलेशनल स्पीड होता है वी एवरेज, ओके, एवरेज ट्रांसलेशनल स्पीड किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट के बी टी बाय पाई एम, इसके इक्वल होता है ना। ओके, तो देखो वी वन हमारा क्या होगा, वी वन इज इक्वल टू, ठीक है, इनिशियली एवरेज ट्रांसलेशन स्पीड जो है वी वन है वो किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रूट एट के बी टी, के बी क्या है, बोल्ट्समैन कांस्टेंट। ओके, और टी क्या, टेम्परेचर टी वन है, ओके, एंड बाय पाई एम। ओके, और वी टू क्या होगा हमारा, वी टू इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, वी टू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एट के बी टी, टेम्परेचर हमारा टी टू है और टी टू किसके इक्वल है, फोर इंटू टी वन, है ना, राइट। और पाई बाय पाई एम। ओके, तो यहाँ से देखो मैं ऐसे लिख सकती हूँ पाई एम, और ये किसके इक्वल आ रहा है, वी वन के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो वी टू किसके इक्वल हो गया, टू वी वन। ओके, तो इसमें से ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, द एवरेज ट्रांसलेशनल स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गैस इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ टू। ओके, तो ऑप्शन जो है ए करेक्ट है ना वो, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। कंसिडर एन वन नंबर ऑफ आइडियल गैस पार्टिकल एनक्लोज्ड इन ए वॉल्यूम वी वन, इफ द वॉल्यूम इज चेंज टू वी टू एंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज रिड्यूस बाय हाफ, द मीन फ्री पाथ बिकम्स फोर टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। इसमें हमें फाइंड क्या करना है, वी वन बाय वी टू। ओके, देखो इनिशियली वी वन वॉल्यूम में नंबर ऑफ आइडियल गैस पार्टिकल्स कितने हैं, एन वन है, ओके, एंड वी टू वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, एन टू कितने हैं, एन वन बाय टू। ओके, इनिशियली मीन फ्री पाथ लेट कर लेते हैं, लैम्डा वन है और लैम्डा टू कितना है, गिवन है हमें फोर इंटू लैम्डा वन। ओके, और हमें फाइंड क्या करना है, वी वन बाय वी टू। ओके, हमें ये फाइंड करना है। अब देखो हमें पता है, देखो मीन फ्री पाथ
फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा क्या होता है? लैम्डा इज इक्वल टू 1/√2nπ d² ओके। यहाँ पे n क्या है, नंबर डेंसिटी, हम इसे कैपिटल n बाय v भी लिख सकते हैं ओके। और d क्या है, डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल्स ओके। अब देखो, अब यहाँ से देखो, मैं अगर स्मॉल n की जगह ओके कैपिटल n बाय v पुट करती हूँ तो लैम्डा इक्वल टू v बाय √2 इंटू कैपिटल n पाई d² ओके। अब यहाँ से देखो, लैम्डा किसके, लैम्डा जो है प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम पे और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है n के ओके। तो यहाँ से मैं अगर लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकती हूँ, v1/n1/v2/n2 ओके। तो v1 n2 by v2 n1 ओके। अब देखो, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 किसके इक्वल था, लैम्डा वो किसके इक्वल था, 4 × λ1 है ना, और v1 n2 किसके इक्वल था, n1/2 ओके, एंड v2 × n1 ओके। तो अभी से हम सॉल्व करेंगे ठीक है, n1 से n1 कैंसिल, तो हमारा आएगा v1/2 v2 एंड λ 1/4 ओके। तो v1/v2 किसके इक्वल आया, 1/2 इज इक्वल टू 0.5 ओके। तो हमारा रेशियो कितना आया, 0.5 ओके। यही तो फाइंड करना था, v1/v2, तो हमारा ये कितना आया, 0.5 आया ओके। ठीक है ओके, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। 1 gram mole of oxygen at 27 degrees Celsius and 1 atmospheric pressure is enclosed in a vessel. Assuming the molecule to be moving with Vrms velocity, find the number of collisions per second which the molecule make with 1 square meter area of the vessel wall. Okay, देखो हमें number of collisions find करना है ना, कि मतलब देखो area जो है ओके, हमारा जो एरिया कितना गिवन है, एरिया जो है 1 meter square है ठीक है। तो 1 meter square एरिया में ओके जो मॉलिक्यूल्स है पर सेकंड में कितने नंबर ऑफ कोलिजन्स कर रहे हैं वो फाइंड करना है ना, नंबर ऑफ कोलिजन्स फाइंड करना है ओके। और हमें टेम्परेचर 27 degree Celsius गिवन है, इसे चेंज करेंगे ठीक है ऐसा ही नहीं, तो 300 Kelvin सब ऐसा ही मिलेंगे ओके। और हमारा प्रेशर क्या है, प्रेशर 1 atm है ओके। तो ये 1 atm 1.01 × 10⁵ pascal ओके। और हमें ठीक है टाइम जो है पर सेकंड, टाइम जो है 1 second है ओके ठीक है। तो देखो हमारा जो चेंज इन मोमेंटम है वो किसके, डेल पी किसके इक्वल होगा, 2m Vrms के राइट। अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ कोलिजन्स से मल्टीप्लाई कर देती हूँ ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ कोलिजन्स, तो n कोलिजन्स में जो चेंज इन मोमेंटम है वो फाइंड हो जाएगा ओके। अब न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे टाइम जो है वो क्या गिवन है, हमें पर सेकंड में निकालना है ना नंबर ऑफ कोलिजन्स ठीक है। तो कितना है, 1 second ठीक है गिवन है ओके। और ये 2 n m v r m s ओके। अब यहाँ से देखो जो प्रेशर होता है ओके, अब यहाँ पर देखो प्रेशर किसके इक्वल होता है, फोर्स बाय एरिया, एरिया कितना है गिवन है हमें 1 meter square ओके ठीक है। और फोर्स कितना है, 2 n m v r m s राइट।
तो यहाँ पे P इज इक्वल टू क्या आ गया, 2NmVrms। ओके, तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ कोलिजन्स फाइंड करना है ना, तो n किसके इक्वल होगा, n इज इक्वल टू P बाय 2MVrms। ओके, तो प्रेशर कितना गिवन है, 1 atm, ठीक है, 1.01 × 10⁵ पास्कल। ओके, ओके, टू, अभी देखो हमें पता है कि स्मॉल एम किसके इक्वल होता है, मोलर मास बाय एवोगैड्रो नंबर, राइट। तो यहाँ पे पुट करेंगे इनटू वी आर एम एस, वी आर एम एस फाइंड करेंगे इज इक्वल टू 3 RT/m। ओके, अब देखो 3 × 8.314, टेम्परेचर कितना गिवन था, हमारा टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो हमारा टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन। ओके, ऐसा ही मिलेंगे ना, और मोलर मास, ओके, 32 × 10⁻³। ओके, सब ऐसा ही मिलेंगे। ओके, राइट, तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा वी आर एम एस क्या आएगा। ओके, तो हम ठीक है सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 20। ओके, तो हमारा वी आर एम एस क्या आएगा, 4.835 × 10⁻² m/s। ओके, तो अब हम यहाँ पे ये जो वी आर एम एस आया है इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। ओके, ठीक है, यहाँ पर तो नंबर ऑफ कोलिजन किसके इक्वल था, P बाय 2 m वी आर एम एस। ओके, तो n इज इक्वल टू 1.013 × 10⁵ पास्कल बाय 2, इसकी जगह मोलर मास बाय एवोगैड्रो नंबर इंटू वी आर एम एस कितना है, 4.835 × 10⁻²। ओके, मोलर मास 32। ओके, अब ऐसा ही मिलेंगे ना, एन जो एवोगैड्रो इसकी वैल्यू कितनी होती है, एन यानी कि 6.02, ओके, × 10⁻², राइट। इंटू 4.835 × 10⁻². सॉल्व करेंगे तो जो हमारा एन आएगा सॉल्व करके देखना, हमारा जो एन है वो क्या होगा, 1.964 × 10⁻²/s पर सेकेंड, ठीक है। तो पर सेकेंड में नंबर ऑफ कोलिजन्स कितने होंगे, इतने होंगे, राइट। तो यही हमें फाइंड करना था। हम हर एक वीडियो में एक श्लोक पढ़ेंगे भगवत गीता के, ज़्यादा नहीं, एक। और हमें पता है कि भगवत गीता में 700 verses हैं, जिसमें से ठीक है 700 श्लोक हैं, जिसमें से 574 श्री कृष्ण भगवान जी ने कहे हैं, 84 अर्जुन ने, 41 संजय ने, और 1 धृतराष्ट्र ने, जो कि पहला ही है। ओके, तो ये फर्स्ट श्लोक है,
धृतराष्ट्र उवाच, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संविता युयुत्सव मामका पांडवास्यव किम अकुर्वत संजया। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? देखो, धृतराष्ट्र हमें पता है वो देख नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने संजय से ही क्यों पूछा? बाकी लोग भी तो थे, उनसे क्यों नहीं पूछा कि जो युद्ध में क्या हो रहा है, ठीक है, क्या हुआ? तो उन्होंने इसलिए पूछा क्योंकि संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी कि जो कि वेद व्यास जी ने दी थी कि वो कहीं पे भी रह के जो युद्ध में हो रहा है वो देख सकते हैं। ओके, तो इसलिए धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा। तो वो क्या पूछ रहे हैं कि जो, और एक यहाँ पे ये भी बोला गया है कि धर्मभूमि कुरुक्षेत्र, ठीक है, जो कुरुक्षेत्र है वो एक धर्मभूमि है, ठीक है, धर्म क्षेत्र है। यहाँ पे कुरुक्षेत्र में कोई भी धर्म की धर्म के कोई भी कार्य हो, ठीक है, यज्ञ हो, कुछ भी हो, वो हमेशा सफल होते हैं, धर्म के कार्य सफल होते हैं कुरुक्षेत्र में। ओके, जो कि धृतराष्ट्र को पता थे। ओके, उन्हें इस बात का डर भी था कि पांडु के पुत्र जो है धर्म की तरफ से युद्ध कर रहे हैं और उनके पुत्र जो है अधर्म की तरफ से युद्ध कर रहे हैं, तो उन्हें डर था कि मेरे पुत्रों का क्या होगा। ओके, क्योंकि वो जो है अधर्म की साइड थे और ये लोग जो थे धर्म की साइड थे, और कुरुक्षेत्र क्या है, एक धर्म क्षेत्र है। ओके, और देखो धृतराष्ट्र ने ये भी कहा था, मामका मतलब मेरे, पांडवा पांडु के पुत्र, ठीक है, मेरे तथा पांडु के पुत्र, इसका मतलब क्या हुआ, वो थे एक ही फैमिली के लेकिन उन्होंने भेदभाव क्या, मेरे तथा पांडु के पुत्र मतलब मेरे पुत्र अलग है, पांडु के पुत्र अलग है, जबकि थे एक ही फैमिली के, तो उनमें एक ये भी कमी थी। ओके, तो पहले श्लोक में धृतराष्ट्र संजय से यही पूछते हैं कि धर्म जो कुरुक्षेत्र है, जो कि धर्म क्षेत्र है, तो कुरुक्षेत्र में जो युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए हैं मेरे और पांडु के पुत्र, उन्होंने क्या किया। ओके, ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, हम सेकंड श्लोक पढ़ेंगे। ओके, इस राधे राधे।